हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टू दी पॉइंट स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में क्या देखे थे? मिक्स्ड कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसको देखते हैं कि क्या होता है। और हाँ, आप लोगों के दिमाग में ये रहना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इसको आंसर कर सकें, है कि नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। चलिए कितना जन है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं सेफ साइड और एक पिक्चर लेके रखती हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करने में सुविधा हो और आप भी एग्ज़ाम हॉल में जाइए जहाँ पे लगे कि नहीं यहाँ पे ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ये डाउटफुल वाला केस में दो पिक्चर आप कम से कम ड्रॉ पहले से करके ही रखिए। देखिए क्या बोल रहा है, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ए आर सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। मैं पिछले वीडियो में क्या कहा था कि ऐसा पोजिशन में ये सब जैसे बोला है कि आर सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो मतलब जिसके लेफ्ट में बोला है उसी को पहले बैठा देते हैं। और कहाँ पे बैठाएंगे? यहाँ पे बैठाएंगे, पहले वीडियो में हम बोल चुके हैं। तो क्या होगा, इसके थर्ड टू द लेफ्ट, इस यहाँ पे अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है तो इसका ये लेफ्ट होगा और इसका ये राइट होगा। तो 1 2 3 आर यहाँ पे बैठ गया। फिर से यहाँ पे सेम ही चीज़ ड्रॉ करेंगे, 1 2 3। सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। एक सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। तो यहाँ पे डब्ल्यू एंड आर के लिए तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो अभी नहीं है और टी कहाँ पे बैठेगा और एक्स कहाँ पे बैठेगा मुझे पता नहीं है। अगला चलते हैं। टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड डब्ल्यू। आर एंड डब्ल्यू का इमीडिएट नेबर में टी नहीं बैठेगा। तो आर का इमीडिएट नेबर किस तरफ? इस तरफ, ये दो। और W का इमीडिएट नेबर ये, मतलब इतना जगह T नहीं बैठेगा। तो T के लिए कितना जगह बाकी है? ये एक हो गया और ये एक हो गया। मैं T को यहाँ पर पकड़ लेती हूँ और ये जगह को मैं इस तरफ में पकड़ लेती हूँ। उसके बाद जो छूट गया था, X सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ T। देखिए T के सेकेंड टू द राइट, टी अगर इस तरफ बैठा है अंदर की तरफ यहाँ पर बैठा है तो इसका लेफ्ट और ये राइट है। तो एक्स कहाँ पे है? एक्स सिर्फ सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। ये फर्स्ट राइट है, सेकेंड राइट, यहाँ पे टी बैठेगा, एक्स बैठेगा। लेकिन यहाँ पे आर ऑलरेडी बैठ चुका है तो मतलब ये वाला पिक्चर गलत है। मैं यहाँ पर देखती हूँ, सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, तो ये इस तरफ, ये इसका लेफ्ट है, इसका ये राइट है। 1 2 यहाँ पे इसको एक्स बैठा दिया। टू पीपल सिट बिटवीन पी एंड एस, टू पीपल सिट बिटवीन पी एंड एस, नाइदर पी नॉर एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स। तो पी यहाँ पे नहीं बैठेगा, एस भी यहाँ पे नहीं बैठेगा, पी एंड एस के बीच दो जन बैठा हुआ है। तो देखिए, तो कौन सा जगह खाली है? ये वाला जगह, ये वाला जगह, ये वाला जगह। तो दो जन करना है। तो मैं अगर ऐसा बैठा दूँ, पी आइदर पी और एस यहाँ पर बैठ गया, पी और एस यहाँ पर बैठ गया तो हो गया, क्योंकि बाकी जगह भरती है और कहीं पे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना है, कर नहीं रहा है, क्योंकि पी एंड एस के बीच दो जन बैठना चाहिए। तो मुझे पर्टिकुलरली पता नहीं चल रहा है कि पी कहाँ पर बैठेगा और एस कहाँ पर बैठेगा। अगले पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए, Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ X एंड P। यहाँ पे देखिए, X एंड P इमीडिएट नेबर नहीं है। तो X का इमीडिएट नेबर एक ही है, जगह जो खाली खाली है ये वाला जगह, तो यहाँ पे Q नहीं बैठेगा। अच्छा, और उसके बाद देखिए, यहाँ पे तो श्योर है आइदर P और S, नहीं तो P और S यहाँ पे, तो Q ऑब्वियसली यहाँ पे बैठेगा। तो Q यहाँ पे बैठ गया। उसके साथ क्या बोला था कि Q इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर X एंड P। X का तो हो गया, P के बगल में यह नहीं बैठेगा, तो P यहाँ पे बैठेगा ही नहीं।
और एक प्रोबेबिलिटी था ना, तो पी कहीं और बैठेगा, तो पी यहाँ पे बैठ गया। तो अगर पी यहाँ पे बैठ रहा है तो एस यहाँ पे बैठ गया, सिंपल सी बात है। और बाकी कौन रह गया? बाकी रह गया भी, जो भी यहाँ पे बैठ चुका है। तो चलिए ये वाला बहुत इजी है, देखिए 5 मिनट के अंदर ये सॉल्व हो चुका है। तो इसका क्वेश्चंस देखते हैं, क्या बोला है, क्या था फिगर ये वाला, फिर से और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे वी था, यहाँ पे टी पी डब्ल्यू क्यू एस एंड आर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ एस? एस के इमीडिएट नेबर कौन कौन है? एक है आर, एक है क्यू। ऑप्शन कहाँ पे? बी में। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू पी इन द अबव अरेंजमेंट? तो क्या बोला है, भी विद रेस्पेक्ट टू पी, मतलब भी का पोजीशन पूछा है पी के रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में। तो क्या होगा, पी यहाँ पे है, पी के रेस्पेक्ट में भी किस कहाँ पे है? तो पी या इसका लेफ्ट है, ये राइट है। तो राइट में किस तरफ? एक दो सेकेंड टू द राइट है कि नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे? सेकेंड टू द राइट, ये वाला हो गया। अभी हाँ, आपको ये भी दे सकता था कि लेफ्ट में किस तरफ, देखिए लेफ्ट में किस, पी के लेफ्ट में किस तरफ? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सिक्स होगा, सिक्स होता है कि नहीं? सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ पी, सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो हो गया। तो देखिए पूरा मिला के यहाँ पे आपको समझा करके आपको 7 मिनट या 8 मिनट में ख़त्म हो गया। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ये सॉल्यूशन। देखिए इसको फिर से और एक बार अच्छे से धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया क्योंकि आपको दिखाना चाहती थी कि ये सब क्वेश्चन बहुत जल्दी आपको सॉल्व करना है। तो चलिए ये वाला प्रॉब्लम फिर से और एक बार देख लेते हैं। आठ जन थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सभी अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हुए। चलिए 8 सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W, इस सेंटेंस में आपको कैसे सॉल्व करना है? जिसके लेफ्ट में बैठा है, जिसके राइट में बैठा है, उसको पहले यहाँ पे बैठा दो। और किसको कैलकुलेशन करना है पोजीशन? आर का कैलकुलेशन, क्योंकि आर सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ W, तो W के लेफ्ट में 1, 2, 3, ये हो गया आपका आर। और एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको सुविधा होगा। यहाँ पे W हो गया, यहाँ पे आर हो गया, उसके बाद एक्स सी सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। अभी पता नहीं चल रहा है एक्स कहाँ पे बैठेगा, टी कहाँ पे बैठेगा, अगले चलते हैं। टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर एंड डब्ल्यू, आर के इमीडिएट नेबर भी नहीं होगा, डब्ल्यू के इमीडिएट नेबर भी नहीं होगा। तो आर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं होगा। तो कहाँ पे हो सकता है टी? तो टी आइदर यहाँ पे हो सकता है, आइदर यहाँ पे हो सकता है। मैं इस पिक्चर में टी को यहाँ पे ले लेती हूँ और इस पिक्चर में टी को यहाँ पे ले लेती हूँ। उसके बाद टू पीपल सिट बिटवीन पी एंड एस, नाइदर पी नॉर एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स। अच्छा, जो छूट गया था क्या था, एक्स सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। तो टी यहाँ पे बैठा है, टी यहाँ पे बैठ गया है, तो इसका ये लेफ्ट हो गया, इसका ये राइट हो गया इस तरफ।
राइट, तो सेकेंड टू द राइट है, तो राइट में सेकेंड मतलब ये फर्स्ट राइट हो गया, ये सेकेंड राइट, तो ये हो गया आपका एक्स यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद क्या है, नाइदर पी नॉर एस इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस एंड टू पीपल सिट बिटवीन पी एंड एस। यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए टी यहाँ पे ये लेफ्ट हो गया, ये उसका राइट है, सेकेंड टू द राइट में एक्स बैठना है टी के, तो सेकेंड टू द राइट के टी यहाँ पे क्या है, एक दो यहाँ पे ऑलरेडी आर बैठ चुका है, तो यहाँ पे एक्स को बिठाएंगे तो क्लैश लगेगा कि नहीं, तो ये वाला पिक्चर गलत है, तो ये वाला पिक्चर अभी सही चल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पी एंड एस के बीच दो जन बैठा है और पी एंड एस ये एस की नेबर नहीं है, पी और एस नहीं है, तो पी एंड एस के बीच दो जन बैठना है, तो यहाँ पे देखिए तो दो जन बैठना है तो ये तो नहीं हुआ, तो एक दो तीन, तीन जगह खाली है, तो मैं अगर पी को यहाँ पे बैठाओ, आई एस को यहाँ पे बैठाओ और पी को यहाँ पे एस को यहाँ पे बैठाओ, आइधर पी नहीं तो एस, नहीं तो पी नहीं तो एस बैठ सकता है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एक दो, दो जन बैठना है तो बैठ चुका, कौन कहाँ पे बैठेगा पर्टिकुलरली मुझे पता नहीं चल रहा है, अभी देखते हैं। क्यू इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स एंड पी, क्यू एक्स के नेबर नहीं है, तो मतलब क्यू यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो क्यू को बैठने के लिए एक ही जगह खाली है, तो क्यू को यहाँ पे बैठा दिया, उसके साथ क्या बोला है, क्यू पी के नेबर भी नहीं है, तो क्यू यहाँ पे डेफिनेटली जब बैठ गया है तो पी को यहाँ पे नहीं बैठना है, तो एस को यहाँ पे बैठना है, तो पी और एस के बीच दो जन बैठना है, तो एस एक दो पी, तो यहाँ पे एस नहीं बैठेगा, तो मतलब हो गया, और बाकी एक ही बंदा बाकी है वो है वी, और वी को यहाँ पे बैठा दिए, ठीक है। तो देखिए ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, बेसिक्स टाइप का है, आप लोग घर में बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इजी है, हो जाएगा, और हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलो करते रहिए, आगे में बहुत सारा टॉपिक कवर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।